नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद हो चुका है। बनारस के इतिहास में पहली बार यहां से भाजपा ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिसका भी मुकाबला होना है सीधे प्रधानमंत्री से होगा। शायद यही कारण है कि अब तक कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन से कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। क्लाउन टाइम्स की टीम लगातार पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से जुड़े सभी वर्ग के लोगों से सवाल किया कि लोकसभा चुनाव के बाद अगला पीएम कौन होगा, स्मार्ट सिटी बनारस में क्या बदलाव दिख रहा है और इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा। आइए जानते हैं इन सवालों पर बीएनएस इंग्लिश स्कूल के निदेशक संदीप सिंह व जिला पंचायत सदस्य कुंवर बीरेन सिंह तथा ओमेगा हॉस्पिटल के प्रख्यात अस्थिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कर्मराज सिंह का क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीएनएस स्कूल के डायरेक्टर संदीप सिंह जी। संदीप सिंह, कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद देश का अगला पीएम मोदी होंगे या कोई और? ओनली मोदी। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में क्या बदलाव आपने देखा है? सन 1972 में मेरा जन्म हुआ और आज तक इस 5 वर्षों में जितना मैंने बदलाव देखा उसके पहले कभी नहीं देखा। अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर आधारित होगा? नवयुवकों के लिए होगा और मोदी जी के इतने किए हुए कार्यों के ऊपर होगा। यह सारी बनारस की जनता देख रही है कि हमारा बनारस रोड, लाइट, पानी और संसाधन से इस वक्त पूर्ण है। इन मुद्दों पर अगर चुनाव की बात करें तो ये पहला अवसर है कि कोई प्रधानमंत्री बनारस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। यह हमारे बनारस की खुशनसीबी है कि सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और पहली बार हमारे यहाँ बनारस से हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं। और मैं अपने बनारस के सभी बनारसवासियों से यह प्रार्थनाबद्ध निवेदन करूँगा कि अपने प्रधानमंत्री का सहयोग करें और इन्हें दोबारा यहाँ से चुनकर फिर दिल्ली भेजें ताकि एक हमारे सुंदर भारत का निर्माण हो सके। इस वक्त हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य कुंवर वीरेंद्र जी। आइए जानते हैं इनसे कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद का अगला पीएम मोदी होंगे या कोई और, अगर कोई और तो वो कौन होगा? देखिए, अब तो चुनाव चल ही रहा है, प्रथम चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और हमारे आखिरी चरण में चुनाव है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका स्वागत है यहाँ से। बनारस की जनता ने एक बार विजयी बना के भेजा ही है। इस बार कांटे का टक्कर हो, पिछली बार उन्होंने जो वादे किए, इरादे किए और जो भी संभावनाएँ उम्मीदें जनता में जगाई थी, अब ये उनकी पार्टी के लोगों को बताना है कि वो कहाँ तक सक्षम हुए, उनको पूरा किया उन्होंने। अब रही प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ये तो अब जनता ही डिसाइड करेगी कि वो प्रधानमंत्री किसको बनाती है। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में क्या बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? यही तो बात है, इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट विलेज की बात नहीं की। शहर में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिख रहा है लेकिन वो भी पिछली सरकारों के कार्यों को ही इन्होंने पूरा किया है। आप जैसे ही बनारस के गांव में जाएंगे आपको दिखेगा स्थिति क्या है। सड़कें नहीं है, नाली नहीं है। हाँ, इस सरकार में बिजली अच्छी मिल रही लोगों को, ये हम कह सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कमी है। कुंवर जी, आपके अनुसार इस बार चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? भय, भूख, भ्रष्टाचार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, ये मूलभूत मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे यही होंगे। बनारस संसदीय सीट की बात करें तो मोदी के मुकाबले में कौन खड़ा होगा? जनता, यहाँ की जनता ही मोदी को जिताई है और उन्हीं से मुकाबला होगा मोदी जी का। इस वक्त हमारे साथ हैं ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कर्मराज सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद देश का अगला पीएम नरेंद्र मोदी होंगे या कोई और? नमस्कार। देखिए, अगला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही होंगे क्योंकि जोड़ों ने जो एक नींव डाली है विकास की और कई सारे कार्यों की, तो उसके आधार पे हमें उनको एक मौका देना तो बनता है कि जो कार्य की शुरुआत उन्होंने की उसको अंजाम दे सके। तो मेरे हिसाब से
एक बहुत उज्जवल संभावना है कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में आपको क्या बदलाव नज़र आता है? देखिए, एक जो शहर का जो मिजाज है, रुख है, जो उसका गेटअप है, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। जो अस्सी घाट में पहले लोग जाना पसंद नहीं करते, वह एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे दिन रात वहाँ पे लोग चहल पहल हो गई है, लाइट लग गई, कार्यक्रम होते हैं। उसी प्रकार से एयरपोर्ट रोड इतनी बेहतरीन हो गई है। तो हमारे जो कई शहर के मुख्य बिंदु हैं जो कि धीरे 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 सुधर रहे, और उसके अगल बगल के इलाके भी उसी के अनुसार वर्कअप हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। हमारे रेलवे स्टेशंस बेहतर हो गए, हमारा जो बस अड्डा आसपास का एरिया कैंट स्टेशन है वो काफ़ी बेहतर हो गया। तो पब्लिक यूटिलिटी की जो भी चीज़ें हैं उसमें डेफिनेटली सुधार आ रहा है, और बाकी विकास कार्य की वजह से अभी सड़कों का काम अधूरा है, बाधित है, लेकिन समय के साथ में वो भी बहुत बेहतरीन होगा। हमारे जनमानस के लिए कैंसर हॉस्पिटल और कई सारे पब्लिक फैसिलिटीज़ पर काफ़ी वर्क हुआ है, और एक वाटरवेज का भी सिस्टम डेवलप हो गया है। तो कई सारे नींव पड़ गई हैं पब्लिक यूटिलिटी के लिए, तो हम आशान्वित हैं हर प्रकार से। डॉक्टर कर्मराज, आपकी नज़र में इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? इस बार का चुनावी मुद्दा, देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इसके पहले, लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे भ्रष्टाचार का अपने पांव सही जगह रख ना पाए, और जितने भी लोग कमाई के चक्कर में रहते थे, घूसखोरी के चक्कर में रहते थे, अभी सब चीज़ें ऑनलाइन होने से, सब चीज़ें डिजिटलाइज हो जाने से, सब चीज़ नियंत्रित होने की वजह से काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। तो भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा इशू था, अब हम विकास उन्मुख है, विकास ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास को लेकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारे भारत का हर एक व्यक्ति विकास की ओर जाए। विपक्ष को अभी तक पीएम मोदी से मुकाबले करने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आपकी नज़र में कौन सा वो कैंडिडेट हो सकता है जो उनसे मुकाबला कर सके? देखिए, कैंडिडेट आगे अगर अभी तक नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा, वो एक लास्ट मोमेंट की रणनीति होगी, अ फेस सेविंग जेस्चर होगा, किसी को खड़ा करके लड़वाएंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस कैंडिडेट होता है तो अब तक वो मैदान में उतर चुका होता और टक्कर लेने के लिए खड़ा रहता है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।